सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रोड्यूसर फर्स्ट वैरायटी है, चार वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे अपन। ध्यान देना एग्जाम में कि कौन सी वैरायटी का क्वेश्चन दे रहा है। अब देखो, प्रोफॉर्मा बनाओ, पर्टिकुलर का बनाओ और एक अमाउंट करके बनाओ जल्दी से। मैंने लास्ट क्लास में प्रोफॉर्मा बताया था आप लोगों को जीएसटी का। पर्टिकुलर्स करके बनाओ और फिर उसके बाद अमाउंट करूं। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है सबको? देखो क्वेश्चन, देखो, एक रेडीमेड वस्त्र निर्माता ने 3,48,000 रुपए मूल्य के माल की पूर्ति की। अ रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर सप्लाइड गुड्स वैल्यू रुपीज 3,48,000। तो देखो ये पूरा जो भी डिटेल्स है उसका 3,48,000 रुपीज का उसने एक पूरा डिटेल्स दिया है। देखो अब उसमें क्या किया, फर्स्ट अनुबंधित मूल्य में निम्नलिखित लागतें शामिल है, मतलब द कॉन्ट्रैक्टेड सप्लाई प्राइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ये 3,48,000 में ये सारे कॉस्ट इंक्लूडेड हैं। देखो फर्स्ट क्या दिया है, देखो इस 3,48,000 में ये इंक्लूडेड है। फर्स्ट देखो क्या दे रहा है, कपड़े एवं सिलाई की लागत 2,50,000, कॉस्ट ऑफ फैब्रिक एंड स्टिचिंग दिया है, प्राइमरी पैकिंग दिया है कितने की 15,000 की, ये सब इंक्लूडेड है। तो जो चीज इंक्लूड है उसको फिर से इंक्लूड नहीं करेंगे। आगे देखो, द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, अनुबंधित मूल्य में निम्नलिखित शामिल नहीं है, जैसे पैकिंग 4,000 और ये फ्राइट एंड इंश्योरेंस कितना 13,000। तो जो इंक्लूडेड नहीं है अब वो क्या करेंगे, उसमें एड कर देंगे। नेक्स्ट देखो, नीचे डिस्काउंट दिया गया है कितना 7%, किस पे, व्यवहार मूल्य पे, ये है व्यवहार मूल्य 3,48,000 पे। आगे देखो, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है 5% इन ऑल, मतलब ओवरऑल 5%। ये देखो संयुक्त दर दिया है तो सीजीएसटी हो जाएगा 2.5 और एसजीएसटी भी हो जाएगा 2.5, ओवरऑल दिया है संयुक्त, तो उसको डिवाइड कर देंगे इक्वली। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई बताना है और जीएसटी बताना है। किसी को डाउट है क्वेश्चन में तो पूछो पहले। मैम एक बार क्या बेटा, मैम सेकंड पॉइंट, एक सेकेंड ना, कौन सा सेकंड वाला? अनुबंधित मूल्य वाला मैम। अरे दोनों अनुबंधित मूल्य है बेटा, ये वाला बता। अच्छा वो 4,000 वाला मैम, देखो उसमें लिखा है ना वो शामिल नहीं है। ये देखो सेकंड वाले में देखो, अनुबंधित मूल्य में निम्नलिखित शामिल नहीं है, मतलब जो 3,48,000 है उस पर ये शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं है वो ऐड करेंगे और जो ये ऊपर वाले एडेड हैं ये ऐड नहीं करेंगे। लिखा ना निम्नलिखित लागतें शामिल है, तो जो प्राइस या जो एक्सपेंस ऑलरेडी ऐड होता है उसको दोबारा ऐड करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना, डबल डबल बस वही है। प्रैक्टिकल सॉल्व बनाओ अपने साथ साथ सब। पहले लिखो व्यवहार मूल्य या फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू।
कितने का दे रहा है देखो, ट्रांजेक्शन वैल्यू 3,48,000 का दे रहा है वो। नेक्स्ट देखो, ट्रांजेक्शन वैल्यू के बाद ट्रांजेक्शन वैल्यू के बाद लिखना ऐड, जो इंक्लूडेड नहीं है चीजें, ऐड करके लिखना एक्सपेंसेस। चार्ज्ड सेपरेटली हिंदी में लिखना है इसके लिए, अनुबंधित मूल्य में निम्नलिखित शामिल नहीं है, अनुबंधित मूल्य में निम्नलिखित शामिल नहीं है, एक्सपेंसेस चार्ज सेपरेटली। अब ना इसमें आओ, देखो कपड़े एवं सिलाई की लागत ये जुड़ा हुआ है इसमें, क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है। देखो अनुबंधित मूल्य में निम्नलिखित लागतें शामिल है, इसलिए ये दोनों ऐड नहीं करेंगे। अब देखो अनुबंधित मूल्य में निम्नलिखित शामिल नहीं है, जो अब ऐड नहीं है उसको करेंगे। पहला क्या दिया है, परिवहन पैकिंग, मतलब कॉस्ट ऑफ पैकिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऐड करेंगे इसमें, कॉस्ट ऑफ पैकिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन। कितना दिया है अमाउंट देखो, कॉस्ट ऑफ पैकिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन दिया है 4,000। किसी को डाउट है कहीं पे? सेकेंड देखो, फ्राइट एंड इंश्योरेंस, फ्राइट एंड इंश्योरेंस देखो कितना दिया है, 13,000। दोनों का टोटल करोगे 13 और 14 को तो कितना आएगा, 17,000। 13 और 14 को ऐड करोगे तुम लोग आज, देखो ऐड किया 4 और 13,000 को तो 3,65,000 आया। फिर डिस्काउंट दिया है 7%। देखो व्यवहार मूल्य लिखा है तो व्यवहार मूल्य ये था 3,48,000। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे 3,40,640 आएगा, अगर 3,65,000 में से मैं ये माइनस करूंगी तो ये आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। बस इतना ही क्वेश्चन है जीएसटी का, 15 मार्क्स का देख लो, तो प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छे से करना है। अब देखो फिर जीएसटी और सीजीएसटी बनाए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो अलग से कॉलम बना सकते हो जीएसटी का, या फिर ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करोगे, यहाँ पे देखो लिखो सीजीएसटी एट, देखो 5% है, संयुक्त दर दिया है तो 2.5 लेना, तो 3,40,640 का 2.5% लो, कितना आया, 8,516 आएगा। हाँ सेम वे से ही एसजीएसटी लो एट द रेट 2.5%, सेम वही आएगा 8,516। तो इन दोनों का टोटल करो, 8,516 कितना आएगा, 17,032 आ गया अमाउंट। टोटल करो 3,40,000 और 170,32 को टोटल करो,
मैम 3,57,672 3,57,672 ये हो गया आप लोगों का टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस, टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस। बस इतना सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। यहां तक डाउट किसी को? ये हो गया आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये इसमें जीएसटी ऐड करेंगे आप लोग, कहीं पे भी डाउट है किसी को तो पूछो जल्दी से। मैम एक बार फिर से बताइए ना, मेरा नेट इशू था तो लेट ज्वाइन की। एक सेकंड रुको, बता रही हूँ, एक मिनट। हाँ